Nurani. Hello. 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 सागर दंड पड़ना स्वामी जी के चरण कमल में सुहागन का परिणाम से आशीष दीजिए स्वामी सदा रखे भगवान जुग जुग जियो हमारी महारानी एक ये गाऊं आशीर्वाद एक मन से आशीष देती हूं महारानी एक सदा रहो क्या कोई बात है यहां तक आई है यहां तक लोन से नहीं जाने छो राम तोरे घट गलो हन राम तोरे महारानी मैं चिंता में मैं देख रहा हूं तुम्हारी मुखमंडल क्यों उदास है महारानी क्या समझे आप हमसे कैसे बात करते हैं मैं किस लिए मुश्किल रहूंगी आप ही पहले बताइए आप तो खुश हैं ना हाँ महारानी मैं तो खुश हूँ सारा प्रजा खुश रहने की बात मैं भी महारानी खुश हूँ क्योंकि यह नैना घर 1400 राज में रहे किसी बात का कमी नहीं है दो पुत्र है जिसका नाम जोगा भोगा है एक बेटी जिसका नाम रानी सोना है इसलिए महारानी मैं तुम्हारी मुखमंडल में कभी उदास नहीं देखने के लिए मैं चाहा नहीं चाहती हूँ इसलिए महारानी आज कोई समस्या है इसलिए तुम यहाँ तक आई है कहो महारानी खुश रहो मेरी लाल आज क्या बात है
जी तू आज अपनी माँ और पिता के सामने आई है। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं? माँ, मैं तो नित्य पाठशाला चली जाती थी, आज ना जाने अचानक मुझे पाठशाला गई, मुझे मन नहीं लगी। मैं कही कि मैं अपनी माँ और पिताजी को मैं पास चलती हूँ, इसलिए मैं अपनी माँ के पास और पिता को पास मैंने आ गई। क्या तुम्हें क्या चीज घट गई कि तू आज आज आई है पाठशाला छोड़कर? माँ, मैं चली जाऊंगी, आपसे मैं मुलाकात करने के लिए मैं आई थी। मेरी यार, क्यों नहीं माँ? क्या तुम्हें काम है बताओ? माँ, हाँ मेरी लाल, तो तुम माँ मेरी इकलौती माँ हो और पिताश्री, ये तो मेरा पिताश्री है। हाँ बेटी, कहो। स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। बोलो मेरी लाल। पिताजी, कहो बेटी। स्वर्ग से सुंदर, सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। तुम पर है बरसने वाले, सदा रखे मेरे साथ किसी का अब मैं चलती हूँ पाठशाला। क्यों पाठशाला का लेट हो रहा है माँ? हाँ मेरी लाल, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। हाँ चली जाओ। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। खुश रहो मेरी लाल, अच्छी तरह से रहना मेरी पुत्री। कहो महारानी। ए बेटी रानी सोना, यहाँ तक आ गई महारानी। हाँ हाँ स्वामी। क्या मैं सोच रहा हूँ कोई बात है? क्या सोच रहे हैं स्वामी? आप तो हमें अपने दिल खोल के बातें कहिए स्वामी। हाँ महारानी, कुछ तो बताओ, यहाँ आने का कोई मकसद जरूर है। क्या मकसद है आप हमें बता सकते हैं स्वामी? ना महारानी, अगर नहीं आप सोचते हैं तो, लेकिन मैं तो सोचती हूँ। जो एक समय की बात थी, जिस समय मेरी पुत्री जन्म ली थी, और जन्म होते ही अब बच्ची नहीं रही स्वामी। मैं सोची कि उनकी कोई घर द्वार मिल जाए तो कितना अच्छा लगेंगे स्वामी। ये तो बात सही है महारानी, क्योंकि यही तो साक्षात ये तो भगवती है। नाम भी सोना है, इसका करनी भी सोना है, ये तो साक्षात भगवती है। मैं कि महारानी, तू सोच रही है? हाँ हाँ, लेकिन आप क्या इजाजत देते हैं? आप तो हमें इजाजत देने की अधिकार है आपका स्वामी। ठीक है महारानी, तुम्हारा भी कहना फर्ज है, क्योंकि अब बेटी जवान हो गई, इसलिए मेरा सोचना ऐसे ही है। तूने कही बेटी जवान हो गई। हाँ स्वामी, ये तो माता पिता का धर्म है, ये सोचना तो सही है महारानी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बेटी सोना का कहीं शादी हो जाए, अच्छा की बात है। हाँ स्वामी, मैं भी तो यही सोच रही थी, कहीं अगर हमारी पुत्री को घर मिल जाए तो हम सारे और खुशी से जिया करेंगे स्वामी। तो ठीक है महारानी, मैं
ए नैनागढ़ है और नैनागढ़ की मेरा सिद्धांत जो है वो सिद्धांत होगा और कोई भी ऐसा वीर होगा वही में मेरा बेटी रानी सोना सुधारना चाहेगा। इसीलिए महारानी मैं सोच रहा हूँ अवश्य है कि मैं मेरा पर्व पूरा होगा उसी का घर मेरा बेटी रानी सोना जाएगी। मैं तो सोचा हूँ इतना कठिन समस्या लेकर जो भी पार कर जाएगा उसी का साथ में अपनी बेटी सोना का शादी रचाएगा। ये मेरा सिद्धांत है संधि महारानी। महाराज एगो बात हमरा कहिया गोसा हो नहीं तो हम कहै छी। कहो महाराज मंत्री जी क्योंकि तू महाराज का तो सारा राज का मालिक हो इसलिए तो कह सकते हो। हमें कहलियो मालिक दोसर जगह बियाह कर तो करबो हो कोनो गाँवे में छोरा के देखते हो रहे। अच्छा तो दूसरे जगह क्या चल जा भागो अपन क्या दो दूसरे से क्या क्या स्वामी आपकी कैसी बात की इजाजत मिली हमें। हाँ महारानी मेरा सिद्धांत है मेरा प्रश्न है यही ये मेरा राज तब कर 51 किलो में पत्र भेजूंगा और उस पत्र का जो भी राजा महाराजा स्वीकार कर लेगा वही आकर मेरा बेटी रानी सोना से शादी रचाएगा। इसलिए महाराजे मेरा प्रश्न है 14 कोस में दलदल है उसे पार कर जाएगा एक भी नाव नहीं है उसे भी पार हो जाएगा तो मेरा खलते हुए करावे उसमें लड़का जो आएगा उसको दिया जाएगा उससे बच जाएगा तो मेरा पास अमर ढोल है जोगा भोगा अमर ढोल रखा है इंद्र भगवान का दिया हुआ अमर ढोल है वो ढोल का लड़ाई चलेगा जो शख्स ढोल का लड़ाई से नहीं बच सकता है अगर वो भी पार पार जाएगा तब हम अपना बेटी सोना का शादी रचाएंगे। हेलो चरणों में सादर चंड प्रणाम पिताजी प्रणाम माता जी युग युग दिया हमारे पुत्र योगा होगा। हाँ पिताजी कहो बेटा किस कारण मुझे बुलाए हैं दरबार में पिताजी। बेटा जोगा हाँ पिताजी मैं यही लिए बुलवाया हूँ कि तुम्हारा बहन अब जवान हो गई ये सोचना अब तुम लोग का फर्ज है बेटा क्योंकि कहीं बेटी का शादी हो जाए तो बहुत अच्छा की बात है बेटा। इसलिए मैंने कहा कि बेटा जवान हो गया बेटा से राय मशवरा लेना तो पड़ जाए ना
हाँ पिताजी, इसलिए बेटा तो दोनों भाई वीर हो, जिस तरह से मेरा नाम चल रहा है इन्हें नगर में, उसी तरह से तुम्हारा भी नाम रोशन होना चाहिए। तो घर से रखो बेटा, कौन वीर ऐसा होगा जी आकर तुम्हारा बहन का डोला लेगा। एकावन किला में पत्र भेज दो, ऐसा कौन वीर है और तुम्हारा क्या प्रश्न है जो वो प्रश्न पाकर जो पार करेगा वो सब फरमाएगा, वही रानी सोना का साथ साथ ही रह जाएगा। क्या प्रश्न है बेटा? हाँ श्री पिताजी, मेरा मालूम है जो ये नई नगर में कोई पीर नहीं पार सकता है, क्योंकि मेरे पास अमर ढोल है और मेरे पास ये माला है। जब तक मेरे पास अमर ढोल रहेगा, जब तक मेरे पास ये माला रहेगा, तब तक कोई पीर नहीं आ सकता है, मेरी बहन की डोला कोई नहीं बना सकता है। आप जो आज्ञा करें पिताजी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वीकार किया तुम्हारी बात का। एकावन किला है, पत्र लिखो। ठीक है पिताजी, मैं अवश्य पत्र लिखूंगा। भोगा मंत्री के बुलाओ। मंत्री साहब, अरे मंत्री, अरे मैं तुझे कब से बुला रहा हूं, अब तक तू कहां था? हमें खरे खरे लेत रही है। अरे क्या ले रहा था? सुतलो सुतलो लेत रही है। अरे क्या सुतलो सुतलो ले रहा था? हमने भगवान का नाम लेत रही है। वाह क्या बात है, हमारे मंत्री भी भगवान का नाम लेता है। ठीक है मंत्री, बड़े बड़े भैया ने आपको बुलाया है। मैं तो जा तक बचवाई ता तक ले लेत लेत मोर देबे अथरबई में न ले क्या बताओ डर लागे छी। अच्छा खुशी रहो, आओ मेरे पास। तुम जानते नहीं हो जो नैनागर में कैसा कैसा वीर जन्म लिया है। आज करी तने हमें देखे छी तारो गाछ यहां एहन एहन मोटगर मोटगर छी। कान खोल कर सुन लो, पेचकस लहन कान में तुम्हें भेद। इधर आओ, पत्र लिखो। जो नैनागर से पत्र राघव मल लिख रहा है, जो 14 कोस दल की पार करेगा और रानी सोनवासो शादी करेगा। उतना ही नहीं, जो 14 कोस दल की पार करके नैनागर में आएगा तो सोना के दोला फरा कर जाएगा। उतना ही नहीं, लिखो 14 कोस की दल की जो पार करेगा, 14 कोस में जो दल की पार करेगा वो सुनमा कुमारी से शादी करके जाएगा। 50 किला में जो जितना सेना है, जवान है, जो आकर सोना कुमारी के दोला फरा कर ले जाओ। लिख दिया महाराज, लिख दिया। और सांप बिच्छू की लड़ाई है, सांप वो पार करेगा, वो सुनमा के साथ शादी करेगा। सांप बिच्छू की लड़ाई है, वो जो पार करेगा वो सुनमा से शादी करेगा। और 14 कोस की गंगा की धार बह रहा है, वो गंगा के पार करके आएगा, वो रानी सोना से शादी करेगा। और 14 कोस का माय गंगा का धार है, उसको जो पार करके आएगा वही रानी सोना से शादी करेगा। लिख दिया, लिख दिया। और लिखो, और लिखो, लिख दो जो 14 कोस की दल की पार करके आएगा तो शादी करेगा। और लिख दिया, आप लिखो जो 14 मन करू का तेल कराह में करक रहा है, 14 मन करू का तेल करक रहा है कराह में, उसमें जो लड़का का तेतरा जाएगा, जो लड़का बच जाएगा वो सुनमा से शादी करेगा। लिख दो। तो हमारा महाराज बुद्धू बुझे छे? नहीं नहीं, हमें तो लिख दे बेकर। क्या मैं तुम्हें
जो कह रहा हूँ करना होगा। वर्गाल तेल में क्या अपन दिया बता देते। अरे जो उसमें बच जाएगा वही सोना से शादी करेगा। जे आदमी लोहा खाते हुए हैं लिख दिया लिख दिया। और द्वार लगते के साथ पनवाड़ा लेने के लिए आएगा जो वहां अमर ढोल की लड़ाई है। वहां अमर ढोलों की लड़ाई है उससे जो पार करेगा रानी सोना का झोला लेकर जाएगा। वो रानी सोना का झोला लेकर के आएगा। झोला नहीं डोला लिख दिया। डोला लेकर के आएगा। कहिए बरगाई 8 लाख ले झोला। ऐ झोला नहीं लिख दिए डोला। ठीक है लिख दिया। और पढ़कर बताओ तो हमरा खाली लिखे लावे छे पढ़े लिखने आता है पढ़ने के लिए नहीं आता है। पढ़ाओ जल्दी उठो बरगई। आप तो फंस गए महाराज तुहार हंसे छो महाराज हमारा जीवन जब कर। हाँ लिखा भी लिखा है लिखा है नहीं लिखे रही है तो रोशना ढबई के वह पर लिख दलिए लिखा में लिखा नहीं। ठीक है लिखो तुम्हारा सब कुछ सही रहता है। हाँ लिखा में लिखा है पत्र लिखा कर मैना से हाँ इसमें एक शर्त लगा हुआ है कि जो इस पत्र को पढ़ेगा और इसमें जो शर्त लगा हुआ है वो शर्त को जो पार कर जाएगा उसके बाद रानी सोना से शादी किया जाएगा। इसका शर्त है कि 12 कोस की धारा में गंगा की धारा में जो पार कर जाएगा वो रानी सोना से शादी करेगा। उसके बाद 14 कोस की दलकी है उसमें जो पार कर जाएगा उस वही रानी सोना का डोला ले जाएगा। और 12 मन करुआ तेल है लड़का को तेल में ततारा दिया जाएगा। वो अग्नि पर चढ़ाए हुए है कराह में दिया हुआ है। निमक छीट दबे हाँ अगर उससे बच गया तो रानी सोना का डोला ले जा सकता है। ठीक है जाओ राजमहुआ में पत्र नहीं जाना है क्योंकि वो चोर खानदान की है लुटेरा है वहां मुझे बहन का शादी नहीं करना है। ठीक है और 50 किला में 51 किला महुआ लेकर पड़ता है। 50 किला में पत्र भेजा दो कोई भी ऐसा होगा मेरी बहन के साथ शादी करेगा। अच्छा ठीक है लेकिन हुआ नहीं जाए चाहिए नहीं पिताश्री आपके कहने के मुताबिक मैं आपका बात और कहना का मैं पालन किया हूँ पिताजी। ठीक है बेटा जोगा ए हर किला में ए पत्र पहुंचा दो भेज दो। हाँ हाँ पिताजी ठाकुर का हर किला में पत्र पहुंचा देगा जो मनुष्य भीड़ होगा वो ही नहीं आएगा। हाँ पिताजी ये पत्र पहुंचा दो कह दो ठाकुर का जाने के लिए। अरे सुनो चलो महारानी अब हो गया ठाकुर ठाकुर जाओ पत्र लेकर हर किला में पहुंचा दो लेकिन ये पत्र राजमहबा तक नहीं जाना। ठीक है ठीक है जाओ पत्र लेकर जाओ मेरे लाल। हाँ अगर जिसी तरह से तुमने पत्र को लिखवाया उसी तरह से तुझे सारे ड्यूटी पे कारा टाइट होकर तुझे खुद रहना पड़ेगा मेरे लाल। बस माँ आपका वचन मैं कभी नहीं काट सकता हूँ माँ। जो भी होगा मैं ये किला में देखने वाला वीर जन्म लिया हूँ। हाँ